गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैंने अपनी सीएसएस HTML5 मैंने आपको कवर करवा दिया है M2 R5 में, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग में, जो कि ओ लेवल में सेकेंड मॉड्यूल है। और HTML5 पर CSS3 को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी क्लासेस मैंने आपको 4 या 5 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। और अब एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, और वो है बॉर्डर। CSS फाइल के थ्रू बॉर्डर कैसे लगेगा किसी पैराग्राफ पर या किसी हेडिंग पर, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रैक्टिकली भी, और उसके टाइप्स भी बता रहा हूँ। तो पहले मैंने वर्ड पे एक फ़ाइल बना रखी है कि बॉर्डर कितने टाइप के होते हैं। तो CSS बॉर्डर हेडिंग है, तो देखिए बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर को लगाने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे बॉर्डर विड्थ, जैसे हेडिंग H1 हमने लिया हेडिंग, और उसके अंदर हमें बॉर्डर लगाना है, तो हम लगाएंगे पहले बॉर्डर विड्थ :4 pixels। और मैंने आपको बताया कि बॉर्डर विड्थ के बीच में स्पेस कभी नहीं ले सकते हैं, हाइफन या अंडरस्कोर का यूज आप कर सकते हैं, या कैमल केस जैसा कि मैंने बताया था बॉर्डर, और WIDTH कैपिटल W विड्थ में यूज कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया था। फिर बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर कलर रेड। CSS बॉर्डर स्टाइल क्या कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें 10 टाइप्स के बॉर्डर स्टाइल होते हैं CSS के, जो हैं पहला है सॉलिड, उसके बारे में 2-3 मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा, बाकी सब आप अपने से प्रैक्टिकल कर लीजिएगा और आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा कि डैश्ड क्या है, डबल क्या है, ग्रू क्या है, ब्रिज में क्या अंतर आता है, इनसेट लगाने पर क्या अंतर आता है, आउटसेट लगाने पर क्या अंतर आता है बॉर्डर में, नन लगाने पर कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा, और मिक्स में कई टाइप के बॉर्डर आपको मिक्स होके उस पर उसके चारों ओर दिखाई देंगे। तो ये थे बॉर्डर के 10 टाइप्स। इसके बाद बॉर्डर शॉर्ट हैंड, तो बॉर्डर को शॉर्ट हैंड में अगर आपको लिखना है, तो जैसे आपने लिखा बॉर्डर विद, तो आप सिंपली यहाँ पे बॉर्डर :2 pixels, या यहाँ मैं आपको दिखाते हूँ, थोड़ा मोटा करके दिखा दूँगा मैं आपको, यहाँ पे 4 pixel का बॉर्डर दिखा दूँगा। और इसके बाद बॉर्डर स्टाइल लिखा जाता है, जो कि सॉलिड मैंने लिया है यहाँ पे, आप डॉटेड भी कर सकते हैं, डैश्ड भी कर सकते हैं, ग्रूव कर सकते हैं, इनसेट आउटसेट जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो आपकी ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर जैसे मैंने रेड चूज़ किया, उसे भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, लाइम, इसी तरह से और भी कई कलर। उसके बाद CSS बॉर्डर साइड, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बॉर्डर टॉप पे लगाया है जितना थिकनेस उसकी हो, वही राइट में भी हो, वही बॉटम में भी हो, वही लेफ्ट में भी हो, उसको भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सेट कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको वर्ड फाइल में बता दी कि बॉर्डर के टाइप्स कितने होते हैं, बॉर्डर को लिखा कैसे जाता है, लगाया कैसे जाता है किसी हेडिंग में या किसी पैराग्राफ टैग के साथ, स्टाइल टैग लगाया जाता है हेड सेक्शन में, उसके बाद फिर CSS बॉर्डर साइड के बारे में मैंने बता दिया। अब प्रैक्टिकल देखते हैं, इस टेबल को आप एक बार नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा देर तक इसको दिखा दे रहा हूँ, CSS बॉर्डर कैसे लगाया जाता है ये आप ऊपर देखिए, उसके बाद CSS बॉर्डर स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं ये मैं दिखा दे रहा हूँ, 10 टाइप के, सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, डबल, ग्रू, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन और मिक्स, सब आप प्रैक्टिकल अपने से करेंगे तो आपको स्वयं समझ आ जाएगा। बॉर्डर शॉर्ट हैंड मैंने आपको बता दिया, बॉर्डर :4 px, सॉलिड रेड, इसके बाद सेमी कोलन। CSS बॉर्डर साइड ये भी मैंने आपको बता दिया, टॉप में लगाएंगे सबसे पहले, यानी ये क्लॉक वाइज चलेगा, आप टॉप के बाद लेफ्ट नहीं ले सकते हैं, ये एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, बॉर्डर लेफ्ट ले लिया आपने तो ये ऐसा नहीं चलेगा, आपका बॉर्डर साइड आपको क्लॉक वाइज ही लेना पड़ेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इस तरह से। तो ये टेबल आप नोट कर लीजिएगा, ये कुछ नियम थे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया CSS बॉर्डर के बारे में। और अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि Notepad++ मैंने ओपन किया, अब टाइटल है यहाँ पे CSS कलर, तो मैं यहाँ पे टाइटल में ले रहा हूँ CSS बॉर्डर, बॉर्डर अब यहाँ पे टाइटल के पहले सपोज हमने इंटर किया और स्टाइल टैग ले लिया, यहाँ ले लिया स्टाइल टैग, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया क्लोज। इसके बाद
ये ओपन हुआ स्टाइल टैग। इसके बाद हमें मान लीजिए हमने H1 है तो कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट मैं कर रहा हूँ। CSS कलर की फाइल मैंने आपको बना के दिखाई थी तो उस पर मिटा के मैं आपको इसी में इम्प्रूवमेंट करके आपको दिखा दूँगा कि ये H1 हेडिंग के अंदर और H1 टैग के अंदर और पैराग्राफ टैग के अंदर कैसे हमें बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टाइल टैग ओपन किया, एंटर किया, H1 सबसे पहले H1 हेडिंग है मेरी जिसमें लिखा है सुशांत उपाध्याय, तो इसको मैंने लिया और यहाँ पे सिंपली मैंने H1 टाइप किया। कैप्स लॉक ऑन नहीं कीजिएगा आप लोग, H1 एंटर। इसके बाद मिडिल ब्रैकेट को ओपन कीजिए और एंटर कीजिए। यहाँ पे आपको बॉर्डर लगाना है H1 में तो आप लिखिए बॉर्डर कलर, सॉरी बॉर्डर विड्थ। हाइफन विद एंटर। अब यहाँ पे कोलन और बॉर्डर विथ में मैं आपको 4 पिक्सल ले लेता हूँ, 4 पिक्सल का बॉर्डर ले लेता हूँ, मतलब मोटाई थिकनेस उसकी 4 पिक्सल रहेगी। इसके बाद यहाँ पे आपने लगा दिया सेमी कोलन, फिर एंटर। दूसरी आपकी प्रॉपर्टी है बॉर्डर विथ के साथ बॉर्डर स्टाइल, तो स्टाइल में मैंने ले लिया सिंपली जो पहला स्टाइल था वो था, आपको मैंने बताया था वो था सॉलिड, तो यहाँ मैंने ले लिया सॉलिड। सॉलिड का मतलब कंटिन्यू वो बॉर्डर चारों ओर से घिरा रहेगा, उसमें डॉटेड नहीं रहे, डॉटेड लाइंस नहीं रहेंगी, कंटिन्यू लाइन बनी रहेगी जैसे कि लाइन आप देखते हैं स्ट्रेट लाइन। इसके बाद बॉर्डर हाइफन कलर, कलर अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से COLOR स्पेलिंग यूज कीजिएगा, एंटर, फिर कोलन। इसके बाद मैंने कलर चूज कर लिया सपोज ग्रीन और सेमी कोलन हर प्रॉपर्टी के वैल्यू के बाद लगाना आपको पड़ेगा, इसको आप भूलिएगा मत, अदरवाइज कहीं पे भी मिस्टेक होती है तो आपको सही आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर स्लैश स्टाइल, अब इसको मैंने कर दिया सॉरी, टाइटल में कर दिया CSS बॉर्डर, CSS को कैपिटल कर देते हैं। ये तो H1 के अंदर मैंने कर दिया। अब हम इसी स्टाइल टैग के अंदर एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वो है पैराग्राफ टैग के अंदर बॉर्डर लगाने का, तो एंटर। पैराग्राफ टैग का P यहाँ यूज किया और मिडिल ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिखा बॉर्डर कलर, सॉरी बॉर्डर विड्थ, एफ लॉक ऑफ करना मैं भूल गया था, बॉर्डर विड्थ मतलब चौड़ाई, और ये ले लिया इसका मैंने 3 PX ले लिया, 3 पिक्सल, सेमी कोलन लगा दिया, फिर एंटर, फिर लिया बॉर्डर हाइफन स्टाइल। और इसको ले लिया मैंने, स्टाइल को ले लिया
यहाँ पे भी कैपिटल पी टाइप हो गया, जिसे मिटा के मैंने स्मॉल पी ले लिया। और बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल को ले लिया। सपोज आपको दूसरा टाइप का एक बॉर्डर दिखा देता हूँ, तो वो मान लीजिए मैं ले लेता हूँ डैश्ड। तो देखिएगा ये बॉर्डर डैश डैश करके आपको दिखाई देगा उसके चारों ओर, पैराग्राफ के चारों ओर। इसके बाद बॉर्डर स्टाइल हो गया, फिर बॉर्डर कलर। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आप लिख रहे हैं ये आपको पी टैग के अंदर ही, पी के, हाँ पी टैग के अंदर ही लगानी है, सॉरी स्टाइल टैग के अंदर पी पी क्लास लेके उसको लगानी है। अब यहाँ पे मैंने लिखा बॉर्डर कलर, और कलर में मैंने ले लिया रेड। आप कुछ भी ले सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत हो, या जो आप चाहें कोई भी कलर आप ले सकते हैं। कलर कोड्स डाल के भी ले सकते हैं और सिंपली कलर का नाम डाल के भी ले सकते हैं। इसके बाद एंटर किया और मिडिल ब्रैकेट को क्लोज किया। तो पैराग्राफ टैग में भी आपने बॉर्डर लगा दिया। अभी मैं शॉर्ट हैंड भी इसका दिखाऊंगा, शॉर्ट हैंड में कैसे दोनों में लगाया जाता है बॉर्डर। लेकिन पहले आप इसको डिटेल में देखिए, डिटेल में कैसे किया जाता है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसके बाद फाइल को सेव कराया, सेव एज पे जाके, और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। कलर एंड बैकग्राउंड कलर हटा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट हेडिंग CSS, कैपिटल में लिखना है CSS बॉर्डर। एंड इट्स टाइप, डॉट HTML लगा देंगे क्योंकि एक HTML की फाइल बन रही है, तो HTML एक्सटेंशन लगाना जरूरी हो जाता है। आप उसे कैपिटल में ले सकते हैं, लेकिन सिंपली मैं यहाँ पे स्मॉल में लेता हूँ क्योंकि अधिकांश कोडिंग में HTML का जो वो एक्सटेंशन होता है उसे स्मॉल में लिया जाता है। अब इसे सेव करा देते हैं, डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। और इसको यहाँ से क्लोज करके कहाँ गई फाइल अपनी, बॉर्डर बॉर्डर CSS बॉर्डर के नाम से मैंने कलर एंड बैकग्राउंड CSS बॉर्डर एंड इट्स टाइप ही है अपनी फाइल। देखिए इसे ओपन करने पे देखिएगा क्या होता है। टाइप मेरा क्या था, शांत उपाध्याय, उसका बैकग्राउंड ग्रीन बॉर्डर आ गया है। और सुशांत उपाध्याय जो टेक्स्ट है उसका कलर मैंने ब्लैक रखा था, तो ब्लैक में मिल रहा है। इसके बाद जो मैंने पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट लिखा था पैराग्राफ टैग के अंदर, उसमें जो आपका बॉर्डर लगा है वो डैश्ड मैंने रखा था, तो डैश्ड मिल गया है। और मोटाई मतलब थिकनेस, और दोनों की थिकनेस अलग अलग है। उसमें हेडिंग में मैंने 4 पिक्सल दी थी, तो वो कुछ ज़्यादा मोटी है। और पैराग्राफ टैग में मैंने 3 पिक्सल दी थी, तो वो हेडिंग टैग वाले से कुछ हल्की मोटी है, थिकनेस उसकी कम है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है इसका। और इसके बाद अब मैं आपको शॉर्ट हैंड दिखा देता हूँ, आपको शॉर्ट हैंड में कैसे इसको कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कैसे लिखना है, फिर भी देखिए बॉर्डर में सिंपल आपको ये पूरा आप डिलीट कर दीजिए। सिंपल आप बॉर्डर, इसके बाद कोलन लगाइए और पी, मान लीजिए पी को अब की बार ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन। पहले विड्थ लिखना है, तो विड्थ में मैंने ले लिया 5 पिक्सल। और उसके बाद कलर ले लेते हैं, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल में लेते हैं विड्थ स्टाइल, स्टाइल में ले लेते हैं सॉलिड, या डॉटेड दिखा देता हूँ। सॉलिड मैंने आपको दिखा दिया, डॉटेड दिखाता हूँ। डॉटेड
और कलर ले लिया, ग्रीन ये मैंने लगाया है। बॉर्डर पैराग्राफ टैग के अंदर, और नेक्स्ट है फिर बॉर्डर, बॉर्डर लगाया हेडिंग टैग में, हेडिंग में लिखा। और यहाँ पे भी सेम तरीके से, सपोज मैंने फोर यहाँ पे 6 पिक्सल ले लिया, 6 px पिक्सल को px से डिनोट करेंगे, स्पेस लिया और उसके बाद इसको मैंने कर दिया ग्रूव। ग्रूव भी एक टाइप का बॉर्डर का टाइप है ग्रूव, आप देखेंगे उसके जब वो आप आउटपुट मिलेगा तब मैं उसको समझाऊंगा ग्रूव का मतलब क्या होता है। इसके बाद कलर ले लिया मैंने पर्पल, ये हो गया। अब इसको सेव करा लेते हैं फाइल को और उसके बाद रन कराएंगे। सेम नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, CSS बॉर्डर एंड इट्स टाइप में, और सेव। इसके बाद यस, तो दोनों में मैंने लगा दिया है, यानी कि पी पैराग्राफ टैग में भी मैंने लगा दिया है बॉर्डर का शॉर्ट हैंड, और H1 हेडिंग में भी मैंने बॉर्डर का शॉर्ट हैंड लगा दिया है। अब देखते हैं क्या चेंजिंग होती है। तो ओपन करते हैं CSS बॉर्डर एंड इट्स टाइप। देखिए सुशांत उपाध्याय हेडिंग को मैंने लिया था किस कलर से, इसको रिफ्रेश करते हैं, और देख लेते हैं मैं ध्यान से उतर रहा मैंने क्या कलर चूज किया था, पर्पल चूज किया था। तो हेडिंग को पर्पल ना लेके मैं ऑरेंज कर देता हूँ, क्योंकि पर्पल ना लग के वो ब्लैक लग रहा है। अब देखते हैं सेव एज करके, फाइल को सेव करना ना भूलें रन करने से पहले, नहीं तो आपको आउटपुट सही नहीं मिलेगा। डेस्कटॉप पे गए और इसको .html सेव। अब देखते हैं, तो देखिए हेडिंग में मैंने लिया था सुशांत उपाध्याय को ग्रू, और डॉटेड लिया था पैराग्राफ टैग के अंदर, और ग्रीन कलर लिया था तो ये डॉटेड आ रहा है, और सुशांत उपाध्याय को मैंने ऑरेंज कलर के बॉर्डर से चारों ओर कवर किया था तो वो ऑरेंज कलर में ग्रूव। ग्रूव मतलब जैसे लकड़ी में आप देखते हैं जब ग्रूव बनाया जाता है, उसी टाइप से ये ग्रूव लग रहा है। आपको इसको जूम इन कर जूम आउट करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, तो इसको यहाँ लाके मैं आपको जूम आउट करता हूँ। देखिए ये जैसे लकड़ी में आप यहाँ पे खांचा बन जाता है, उसको कारपेंटर बना देता है, उसी तरह से ये, और ये डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। तो ये है, ये जो पैराग्राफ है ये आप लोरम इप्सम साइट पे, किसी भी वेबसाइट पे लोरम इप्सम टाइप करके उस पर आप लोरम इप्सम टेक्स्ट जेनरेटर लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से कुछ कॉपी करके आप पैराग्राफ के अंदर टैग के अंदर प्रिंट करके उसके चारों में बॉर्डर लगा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था, अब मैं इसको वापस जूम इन कर देता हूँ। तो ये था मित्रों, दोस्तों और स्टूडेंट्स, और इसके बाद मैं यहीं तक आपको क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि बॉर्डर को कैसे अप्लाई किया जाता है, अगर अलग अलग साइड की अलग अलग थिकनेस या अलग अलग कुछ प्रॉपर्टी देनी है। तो थैंक्स, और अगर आप दोस्तों को ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को प्रोग्रेस दें। थैंक्स दोस्तों, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बी सेफ, कीप सेफ, स्टे एट होम। अगेन टेक केयर एंड गुड मॉर्निंग। यू आर वॉचिंग द चैनल IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।